हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिजाइन बनाने के लिए हम यहाँ पर अस्तर को डबल करके रखेंगे और इसकी चौड़ाई 10 इंच लेंगे। इसकी लंबाई हम 13 इंच लेंगे। ये बनकर तैयार 12 इंच का रहेगा और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। शोल्डर हम 6 इंच लेंगे और आर्म होल 5.5 इंच, और इस तरह से लाइन बनाकर यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई 2.25 इंच लेंगे और नेक की लंबाई 8 इंच। यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई 3 इंच लेंगे। इस तरह से इस लाइन को मिला देंगे और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम 1 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान बनाते हुए जाएंगे। और यहाँ पर भी हम इस तरह से इन सारे निशानों को बनाकर एक राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने ये पेस्टिंग लिया है। इस तरह से हम इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ बढ़ाकर रखेंगे। इससे हमारा दबाने के लिए आ जाएगा। ये 1/2 इंच कपड़ा जो है हमारा, वो सिलाई में दबाने के लिए आएगा। तो इस पट्टी को हम इसीलिए 1/2 इंच बड़ा कट करेंगे। इस कपड़े पर हम पेस्टिंग को प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। अब हम इसको इस तरह से मैचिंग कपड़े पर रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम मैचिंग कलर वाले कपड़े की पाइपिंग बनाएंगे। तो आपको पाइपिंग जितनी मोटी दिखानी है उतना ही कपड़ा यहाँ पर इस तरह से सिलाई में दबाना है। अब हम इस अंदर वाले कपड़े की कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे कट से लगा देंगे। अब हम इसको पलटकर पाइपिंग निकालेंगे। इसको हमने पलटकर इस पर प्रेस लगा ली है। अब हम इस कपड़े को भी सेट कर देंगे। इसकी इस किनारी पर भी हम सिलाई लगा देंगे। अब हम इस अस्तर को कपड़े पर जॉइंट करेंगे। इसके नेक तथा नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। और इस कपड़े की हम कटिंग कर देंगे।
यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको सीधा कर लेंगे। इसको सीधा करके प्रेस की मदद से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये कुछ पीसेस लिए हैं, इसकी चौड़ाई 2.5 बाई 2.5 इंच की है। हम इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में बनाएंगे, फिर एक बार इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके दोनों किनारों को मोड़ते हुए इस शेप में इसको बना लेंगे। ये हमने सारे पीसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और इस पर निशान बना लेंगे। इसी निशान पर हमें ये पीसेस अटैच करने हैं। इस तरह से हमने दूसरी साइड भी ये निशान बना लिया है। अब इसको इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। इस प्रकार से हमने सारे पीसेस अटैच कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे और पिन की मदद से इसको फिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी किनारे पर सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब पीछे से इस कपड़े को हम कट कर देंगे। यहाँ पर हमने कुछ मोती लिए हैं और सुई धागे की मदद से इसकी नोक पर इस तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से पूरे नेक पर हमें मोती अटैच कर देने हैं। इसका फाइनल लुक इस तरह से आया है और नीचे की तरफ प्लेट्स भी लगा देंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।